Hello, I'm Vikas Mehta and this is the Times of India. So who is going to be the next Chief Minister of Madhya Pradesh? There are many names doing the rounds, but first, we would like to speak about the incumbent. Yes, Shivraj Singh Chauhan. Now Shivraj Singh Chauhan has cleared that he is not in the race of Chief Ministership. He said that he was never a contender and whatever the party will assign to him or whatever the role he'll be given in future, he'll accept it and fulfill it with full dedication and responsibility. So यहाँ तो आगे शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने अब अपना पूरा जो दारोमदार है वो सेंट्रल लीडरशिप यानी कि बीजेपी हाईकमांड पर छोड़ दिया है. उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया है कि अब वो जो है तो इस रेस में पहले भी नहीं थे और अब भी नहीं है. जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो पूरा करके उसे निभाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और मध्य प्रदेश की जनता की वो सेवा करते हैं. पहले आप सुनिए शिवराज सिंह ने क्या कहा. मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं. मैं एक कार्यकर्ता के नाते सदैव भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी काम देगी उस काम को समर्पित भाव से अपनी संपूर्ण शक्ति क्षमता और प्रमाणिकता ईमानदारी से सदैव करता रहूंगा. तो शिवराज सिंह ने अपनी बात कर दी है लेकिन फिर भी वो चूंकि अभी भी मुख्यमंत्री तो हैं ही और एक प्रबल चेहरा बने हुए हैं और बने रहेंगे भी अभी जब तक कि ये नाम आ ना जाए सेंट्रल लीडरशिप से. दूसरा जो चेहरा है वो अगर आप हम सभी जानते हैं उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं. और नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बार जो है दिमनी सीट से चुनाव लड़ा और वो जीत कर भी आए. तो नरेंद्र सिंह तोमर जहाँ तक मुझे लगता है कि एक प्रबल चेहरा इस वजह से है क्योंकि वो मोदी के लॉयलिस्टों में से गिने जाते हैं और वो मुरैना से सांसद भी हैं. इससे पहले उन्हें जो भी 2014 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा वो चुनाव जीत कर आए और 2019 में भी चुनाव लड़ा वो जीत कर आए. तो अभी तक उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा रहा है. और हमें लगता है कि जहाँ तक हम लोग अभी तक पढ़ पा रहे हैं और जो मीडिया रिपोर्ट्स की अगर भी बात की जाए तो वो एक ज़रूर बड़े दावेदारों के रूप में है. फिर तीसरा नाम आ रहा है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का. ज्योतिरादित्य सिंधिया वो यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं इस समय और उन्होंने ही 2020 में मदद की शिवराज सिंह चौहान की. तो शिवराज सिंह चौहान यानी भाजपा की मदद की और भाजपा जो है तो वापस सत्ता में काबिज हो सकती. तो वैसे अभी क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जो हैं तो इनकम्बेंट बने हुए थे या यूँ कह लें कि शिवराज सिंह चौहान जो हैं तो मुख्यमंत्री इसलिए बने क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने काफ़ी बड़ा एक अहम रोल प्ले किया. तो हो सकता हो कि उसका इनाम ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मिल सकता है लेकिन उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा. फिर चौथा जो नाम आ रहा है इस पूरे तो उसमें वो है कैलाश विजयवर्गीय. कैलाश विजयवर्गीय वो बंगाल की कमान उनको दी गई थी प्रभारी के तौर पे वो इंचार्ज थे स्टेट इंचार्ज. उन्होंने जो है तो वहाँ पे अपना रोल अदा किया हालांकि बीजेपी को बहुत ज़्यादा सफलता वहाँ मिली नहीं लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को इस विधानसभा में टिकट दिया गया चुनाव लड़ाया गया वो इंदौर से जीते इंदौर वन से और अब जो है वो एक प्रबल दावेदार के रूप में देखे जा रहे हैं. शिवराज सिंह चौहान से उनकी कितनी बनती है नहीं बनती इस पर अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी लेकिन जब उनसे पूछा गया कि लाडली बहना स्कीम के बारे में आपका क्या कहना है तो उन्होंने कहा कि लाडली बहना स्कीम छत्तीसगढ़ में कहाँ था वो कहाँ राजस्थान में था. तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक कंटेंडर तो मानते ही हैं कि आप खाली शिवराज सिंह अगर लाडली बहना की बात कर रहे हैं और उन्हीं के नेता जो है उसकी बात नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को कंटेंडर के रूप में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि खाली लाडली बहना से ही नहीं हुआ है जो कुछ भी करिश्मा था वो केंद्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. इसके बाद जो सबसे अंतिम नाम आ रहा है वो है प्रहलाद सिंह पटेल. तो प्रहलाद सिंह पटेल जो है वो नरसिंहपुर से चुनाव लड़े चुनाव जीते भी वो केंद्र में मंत्री भी हैं वो किसी चेहरा है प्रबल दावेदार इसलिए हैं कि कोई जमीनी नेता है और उनके साथ किसी भी तरह की कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं दी. तो खैर ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन जो है मुख्यमंत्री अगला होता है मध्य प्रदेश का. लेकिन जहाँ तक अभी समझ आ रहा है कि पार्टी ने अभी इसमें कोई निर्णय नहीं लिया है लेकिन आगे हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी और हम आप लोगों से बातचीत करते रहेंगे. थैंक यू. फ्रॉम ब्रेकिंग न्यूज डिटेल्ड एनालिसिस इन डेप्थ इंटरव्यूज एंड एक्सप्लेनर्स फॉलो द टाइम्स ऑफ इंडिया सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियोस and hit the bell icon to stay updated with the latest.